आज हम टैक्स रेट सीख रहे हैं बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हेडिंग डाल दो टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए इसका टैक्स रेट बेटा बहुत सिंपल है। फर्स्ट 10,000 का जो टैक्स रहेगा वो रहेगा 10%, पहली 10,000 के ऊपर 10%, अगेन दूसरे 10,000 के ऊपर 20%, और जो भी 10,000 से ज्यादा होगा उसके ऊपर 30%। ठीक है, जो भी 10,000 से ज्यादा होगा उसके ऊपर 30%। देखो 10,000 10,000, तो ऐसा लिख दो आप, 20 कर दो, 10 10 20 हो गए, 20 से जो भी ज्यादा रहेगा उसके ऊपर 30%। क्लियर है? अब सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% इफ इनकम एक्सीड ₹1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो गया तो सरचार्ज 12% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये तो सब में कॉमन है। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर इसके ऊपर सम करेंगे। पहली 10,000 10%, दूसरी 10,000 20%, अबव 20,000 से जो भी ज्यादा होगा 30%। सरचार्ज 12% अगर इनकम एक्सीड होता है 1 करोड़ से ज्यादा तो, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। डन। चलो एक क्वेश्चन लिखो, टोटल इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ₹1 करोड़ 3 लाख, टोटल इनकम कितना है बेटा 1 करोड़ 3 लाख। फाइंड आउट टैक्स, फाइंड आउट करना है आपको क्या टैक्स। चलो स्लैब के हिसाब से शुरू हो जाओ। पहले क्या लिखोगे, पहले 10,000 के ऊपर 10% यानी ₹1,000, दूसरे 10,000 के ऊपर 20% यानी ₹2,000। ठीक है, अब मुझे बताओ 20,000 से जो भी ज्यादा होगा तो इनकम कितनी है, 1 करोड़ 3 लाख। 1 करोड़ 3 लाख में से अगर मैं 20,000 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा बेटा, 1 करोड़ 2 लाख 98,000। समझ में आया, 1 करोड़ 2 लाख 98,000 बचेगा ना, 1 करोड़ 3 लाख है, उसमें से तुम 20,000 माइनस कर दोगे तो सॉरी 80,000। ठीक है, 1 करोड़ 2 लाख 80,000, इसका 30% निकालो, 1 करोड़ 2 लाख 80,000 का 30%, 30,84,000। बताओ पहले यहां तक कोई डाउट है, पक्का? अब टोटल कितना आ गया बेटा, 30,87,000 आ गया। अब बताओ सरचार्ज कितना लगेगा, 12%। 1 करोड़ से इनकम ज्यादा हो गया तो सरचार्ज 12% लगेगा, कितना आएगा बताओ,
30,87,000 का 12% 370,440 टोटल कितना आ गया? 34,57,000 है ना। अब बताओ क्या मेरा सरचार्ज एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा है? एक्स्ट्रा इनकम कितना है? ओनली 3,00,000। सरचार्ज कितना है? 370,440। तो अब क्या लगेगा? मार्जिनल रिलीफ लगेगा, तो निकालते हैं। पहले क्या लिखेंगे? टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एक्सेस इनकम। तो एक्सेस इनकम हमारा कितना है? 3,00,000। अब 1 CR का टैक्स देखो, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। 1 CR का टैक्स अगर मैं निकालूं तो 3,000 तो आएगा ही आएगा। बस यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? 99,80,000। 1 करोड़ का लेना ना, तो 1 करोड़ में से 20,000 के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, 3,000 आया, यही है ना। 20,000 के ऊपर 3,000 बचा, कितना? 99,80,000। इसका 30% बताओ कितना आएगा? 2,99,400। आपने 2 lakhs बोला, ठीक है, पक्का से यही आएगा। और इसमें 3,000 और ऐड कर देंगे, 29,97,000, है ना। समझा ना ये? अगर आप ऐसे यहाँ पे निकालो तो 10,000 का 10% और फिर 10,000 का 20% और फिर 99,80,000 का 30%। तो ये आ गया 1,000, ये 2,000 और ये 29,94,000। टोटल कितना आ गया? 29,97,000। अब इसमें बेटा ऐड कर दो ये 3,000, तो कितना आ जाएगा? 32,97,000। 3,00,000 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 32,97,000। अच्छा ये कितना है? 34, विच एवर इज लेस, कितना आ गया? 32,97,000। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है? पक्का ना, यहां तक सबको समझा? अब इसके ऊपर बेटा क्या लगाएगा? हेल्थ एंड एट द रेट ऑफ, बताओ कितना आएगा? 34,28,880। अब मुझे बताओ मार्जिनल रिलीफ बताओ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,60,440। ये आपका क्या आ गया? मार्जिनल रिलीफ। आया समझ में? पैटर्न सबका बेटा सेम है। ये वाला पॉइंट समझा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाला हमने? टैक्स ऑन 1 करोड़ और फिर एक्स्ट्रा इनकम, यहां पे बाइफरकेशन। ओ बेटा देखो, 1 करोड़ है, 1 करोड़ में से 10,000 माइनस करेगा तो 99,90,000 और फिर 10,000 माइनस करेगा तो 99,80,000। हाँ, 1 करोड़ पर टैक्स लगाना है ना, तो पहले तो हमने 20,000 पे ऑलरेडी टैक्स निकाल लिया ना, बचा कितना? 99,80,000। नोट कर लो।
ठीक है ना कैलकुलेशन। दस मिनट हो गए, समझा कॉपी सोसाइटी का टैक्स। अगली क्लास में बेटा टेस्ट लूंगा मैं दोनों का, बेसिक और टैक्स का दोनों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर 11 बजे टेस्ट रहेगा 10:45 को फ्राइडे, उस दिन कोई लेक्चर नहीं लूंगा सिर्फ टेस्ट। चलो अभी हेडिंग डालो बेटा टैक्स रेट ऑफ कंपनी, टैक्स रेट ऑफ कंपनी। अभी किसका पढ़ रहे हैं बेटा, कंपनी का। तो कंपनी में बेटा दो एरो, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक है बेटा आपकी फॉरेन कंपनी, ठीक है। पहले बात करते हैं टैक्स रेट की। जो बेटा डोमेस्टिक कंपनी है उसका टैक्स रेट नॉर्मली 30% है जनरली, ठीक है। लेकिन इफ टर्नओवर ऑफ 1920 इज लेस देन और इक्वल्स टू 400 करोड़, देन बेटा टैक्स रेट हो जाएगा 25%। अगर डोमेस्टिक कंपनी का 1920 का टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो टैक्स रेट कितना होगा, 25%। वैसे नॉर्मली कितना होता है, 30%। तो अगर मेरी कंपनी का टर्नओवर 6000 करोड़ है तो 30%, 200 करोड़ है 1920 का, सिर्फ वही साल होना चाहिए और कोई साल नहीं, 1819 का होगा तो भी 30%, 1920 का टर्नओवर दे रखा होगा तभी 25%, समझा। फॉरेन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सीधा यहां का टैक्स रेट है 40%, ठीक है। फॉरेन कंपनी का सीधा कितना है 40%। अब बात करते हैं बेटा इनके सरचार्ज की। सरचार्ज ध्यान से, अगर इनकम 1 crore से ज्यादा बट अप टू 10 crore तक है, या इनकम 10 crore से ज्यादा है, अगर 1 crore से ज्यादा अप टू 10 crore तक है तो सरचार्ज का रेट रहेगा यहां 7%, यहां 2%, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा तुम्हारी इनकम है तो सरचार्ज का रेट यहां पे 12%, यहां पे 5%, ठीक है। एक बात बताओ, क्या बताया था मैंने, जब भी सरचार्ज लगेगा तो क्या याद रखना है, जल्दी बताओ क्या याद रखना है सरचार्ज के साथ क्या लगता है, बट सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। और दोनों में बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, 4%। ये टैक्स रेट है किसका, कंपनी का, नोट कीजिए। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, अब माइंड में आपके चल रहा होगा अमित सर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी जो इंडियन रजिस्टर्ड है, फॉरेन कंपनी जो आउटसाइड इंडिया की है और बिजनेस कहाँ कर रही है, वो इंडिया में, जैसे मैकडी फॉरेन की है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट इंडिया की है। फ्लिपकार्ट के बारे में वैसे बेटा बहुत लोगों को नहीं पता कि वो इंडियन है, बहुत लोगों को नहीं पता। बजट अच्छा नहीं
भंगार बजट है, बजट थोड़ी है वो, ऐसा लगता है कोई निर्मला सीतारमण आई, निर्मला सीतारमण जी आई और बच्चों को नहीं ऐसे पांचवी क्लास में रट्टा मरवाते, वैसे आई वो लाल पोटली खोला और बकना शुरू कर दिया। सबसे गंदा स्टेटमेंट पता है उनका क्या था, कि अगर चाहते हो कि टैक्स कम लगे तो इनकम कमाना कम कर दो। नालायक, नॉनसेंस, तुम्हारे चक्कर में इनकम कम कमाऊं? ठीक है हम नहीं कमाएंगे, 5 लाख रुपये हर एक साल में भेज दिया करो, नहीं कमाएंगे हम, कम कमाएंगे ही नहीं, बहुत बहुत बकवास बनाया है भाई। अभी तो ऐसा लग रहा है ना, बट मैं YouTube पे हूँ इसलिए नहीं बोलूँगा, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे जिधर इनकम दिख रहा है सब जगह पे आ रही है, क्रिप्टो में भी है, क्रिप्टो पे भी डाल देना। दूसरे नलायकों ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% बढ़ा के 15% कर दिया। भाई क्यों, इंसान वैसे कोरोना के मार से बाहर नहीं निकला है, और कहीं जाने दे रहे पूरा एकदम, बड़े बड़े लोग अमीर होते जा रहे हैं इंडिया में, गरीब के गरीब होने का राज बस ये हमारी गवर्नमेंट है, गरीब इंडिया का कभी अमीर बन ही नहीं सकता। और इसे पता है लोगों के स्टेटमेंट क्या आएंगे, कि वो कोशिश ही नहीं करता। अब इसके लिए लोग क्या बोलेंगे, सुबह उठो, ऐसा होता ना तो रिक्शा चलाने वाला सबसे ज़्यादा अमीर होता, 4 बजे तो वही रिक्शा चलाता है, न्यूज़पेपर वाला इंडिया का प्रेसिडेंट होता, पूरा भंगारगिरी बना रखा है। लग ही नहीं रहा है कि मतलब कोई सेंसलेस बंदा, सेंसेबल बंदा जो है बजट लिख रहा है। पागल चीज, वो किसको समझ में आया, वो जो तूने बोला किसको समझ में आया, किसी को नहीं आया, पब्लिक को किसी को समझा? ऐसा लग रहा था जैसे पांचवी क्लास का वो बजट नहीं रीड कर रहे वैसा रीड कर रहे भाई, कुछ तो इंटरेस्टिंग बनाओ, ये समझा? अब ध्यान से, अभी मैं बताने वाला हूँ, गवर्नमेंट ने अभी मोदी जी के आने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट लाए, बोला हम स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, उसके लिए उन्होंने कुछ नए सेक्शंस बनाए। जब मैं उस सेक्शन को भी बोर्ड में लिखूंगा ना तो तुम बोलोगे कि सर इससे अच्छा हमें बना दे, हम अच्छी लिख देंगे। देखना कितना भंगार और गंदा सेक्शन बनाया है डोमेस्टिक कंपनी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? ये टैक्स रेट बेटा जनरल है, लेकिन अब जो बता रहा हूँ वो स्पेशल है, ओनली फॉर डोमेस्टिक, नॉट फॉर फॉरेन। अब ये मत समझना कि अमित सर ये नहीं है, ये है, ये नॉर्मली यही लगेगा, लेकिन अभी सेक्शन स्पेशल आए हैं और उस स्पेशल सेक्शन में स्पेशल डोमेस्टिक कंपनी को कवर किया गया, नॉट ऑल डोमेस्टिक कंपनी। तो मैं ऐसा बोलूं ये जनरल डोमेस्टिक कंपनी हो गई, तो जनरली सबके ऊपर यही लगेगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो स्पेशल कैटेगरी में आ गए। आई बात है समझ में? चलो, अभी जो सिर्फ टैक्स रेट लिखवाऊंगा वो सिर्फ किसका होगा बेटा, डोमेस्टिक कंपनी। तो ऊपर हेडिंग डालो सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी, सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी, कुछ टाइप की डोमेस्टिक कंपनी का बेटा हम टैक्स रेट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बेटा आप क्या करो, अपने नोटबुक में 4 कॉलम बना दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले कॉलम में लिखो पर्टिकुलर, दूसरे कॉलम में सीधा डालो बेटा सेक्शन 115BA, फिर सेक्शन 115BAA और फिर सेक्शन 115BAB। ये 3 नॉनसेंस सेक्शन बेटा आए हैं। अब ध्यान से बेटा, सबसे पहले पहला पॉइंट एप्लीकेबल, कब से बेटा एप्लीकेबल हुआ? तो ये एप्लीकेबल हुआ बेटा 17-18 से, ये 2021 से, और ये भी बेटा 2021 से। ठीक है, ये पहला पॉइंट बेटा आपका खत्म, एप्लीकेबल। सेकंड पॉइंट, टाइप ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी के ऊपर लगेगा, टाइप ऑफ कंपनी कौन सी कंपनी के ऊपर लगेगा। तो पहला वाला जो सेक्शन है बेटा 115BA, ये लगेगा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर।
ये लगेगा ऑल कंपनी, मतलब चाहे ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या प्रोडक्शन हो, सबके ऊपर लगेगा। और ये अगेन बेटा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, करेक्ट है। तो ये पता चल गया कौन सा सेक्शन कौन सी कंपनी, यहां पे मैं बोल रहा हूं मतलब ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन सबके ऊपर, और यहां पे क्या लिखा है ओनली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, मतलब यहां पे ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी समझते हो ना, जिसमें सिर्फ सेल और परचेज होता है। जैसे लेज की बात करो वो प्रोडक्शन भी है, क्योंकि खुद प्रोड्यूस करती है और फिर बाद में उसको ट्रेड करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन और ट्रेडिंग है, ठीक है। अब जैसे कुछ कंपनी होती है जो सिर्फ ट्रेडिंग करती है, फॉर एग्जाम्पल बाटा ट्रेडिंग कर रही है, सूज सेल करे, बाटा खुद का सूज खुद नहीं बनाती, उसके जॉब वर्कर बनाते हैं, समझ में आ रहा। थर्ड आ जाओ, एलिजिबल डेट, कब से बेटा ये सेक्शन लगना शुरू होगा, तो ये वाला जो सेक्शन लगेगा बेटा ये लगेगा ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016 से, ये कोई डेट नहीं है बेटा, नो स्पेसिफिक डेट, जब से मन हो तब से लगा देना। और फिर ये है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, समझा कौन सा सेक्शन कब से लगेगा। अब आ जाओ, अब बात करते हैं बेटा चौथे पॉइंट पे, टैक्स रेट, इनका टैक्स रेट क्या होगा। तो बेटा इस सेक्शन वाली कंपनी का टैक्स रेट होगा 25%, यहां वाली का भी 22% और यहां वाली का 15%, ये आपका क्या होगा टैक्स रेट होगा। अब बात करते हैं बेटा सरचार्ज की, सरचार्ज यहां पे होगा 7 और 12 जो हमने अभी पढ़ा था, और फिर यहां पे होगा 10% और यहां पे भी होगा बेटा 10%। अब बात करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन से, सब में कितना होगा, ये तो किसी में अनकॉमन हो ही नहीं सकता। अब सेवंथ पॉइंट बेटा, ये सबसे डेंजर है, लॉस बेनिफिट, यानी आपकी कंपनी में जैसे लॉस हो, जैसे मान लो मेरी 4 कंपनी है, 3 कंपनी में लॉस हुए, 1 कंपनी का गेन हुआ, तो मैं लॉसेस का सेट ऑफ गेन से ले सकता हूं। ऐसा रूल है इनकम टैक्स में कि आपके जैसे मान लो मेरा बिजनेस ए बी सी है, ए और बी से लॉस हुआ और सी में गेन हुआ, तो ए और बी के लॉस का सेट ऑफ मैं किससे ले लूं, सी से, ठीक है। यहां पे क्या बोला कि अगर तुम्हें लॉस होता है तो किसी भी सेक्शन में मैं आपको बेनिफिट नहीं दूंगा। इनडायरेक्टली वो बोल रहा क्या चाहते हैं, लॉस के ऊपर भी क्या देना पड़ेगा टैक्स। बताओ भंगार सेक्शन है या नहीं है, इससे मुझे बताओ स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप में अगर बात करूं तो इनिशियल स्टेज पे 5 साल कोई प्रॉफिट नहीं होती, 5 साल कोई प्रॉफिट नहीं होती, 5 साल क्या होगा लॉस होगा। इनडायरेक्टली देखा जाए उनको लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा दूसरे से, क्या हो रहा है लॉस के ऊपर भी क्या जा रहा है टैक्स। इससे बताओ स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा या नुकसान होगा, भाई नुकसान होगा, तुम स्टार्टअप से भी क्या ले रहे हो टैक्स। अब कोई क्यों तुम्हारा किसी कंट्री में या किसी स्टेट में जाकर स्टार्टअप करेगा, क्यों करेगा, उसको जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो स्टार्टअप करेगा क्यों, यही बेटा इसका डेंजर पॉइंट है। सब कुछ ठीक है, आपने टैक्स रेट कम कर दिए, यहां भी टैक्स रेट कम किया, यहां भी टैक्स रेट कम किया, डेंजर पॉइंट क्या है, लॉस का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं है बेटा, पीजीपी में जब मैं आपको पीजीपी का चैप्टर पढ़ाऊंगा उनको बहुत सारे डिडक्शंस छीन लिए गए, अभी तो मैं नहीं लिखूंगा, बहुत सारे डिडक्शंस है, इन सेक्शन वाले एसएससी को वो डिडक्शंस नहीं मिलेगा। जब मुझे डिडक्शन ही नहीं मिलेगा इसका मतलब पूरी की पूरी मेरी फ्लैट इनकम टैक्सेबल हो रही है, पूरी की पूरी फ्लैट इनकम टैक्सेबल हो रही है। इससे से तो पुराना वाला रेट था, रेट बड़ा था लेकिन डिडक्शन मिलते थे तो टैक्स कम आता था, अब ये रेट बढ़ा कम करके भी कोई फायदा है, टैक्स तो उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा ही जाएगा बेनिफ। आ रही है बातें समझ में, इसलिए मैंने क्या बोला ये सेक्शन क्या है बेटा भंगार है। क्यों, बस एक चीज की वजह से भंगार हुआ, आपने लॉस का बेनिफिट नहीं दिया, समझा। लेकिन ये सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा, ओनली डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी इस सेक्शन में नहीं आ सकते, सिर्फ कौन आएगा डोमेस्टिक। बस एग्जाम में कंफ्यूजन दूर करना, पहला वाला सेक्शन बी ए और बी ए बी ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के ऊपर है, ये किसी भी कंपनी के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा।
तो ये सर्टेन टैक्स रेट है ओनली किसके लिए, सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी के लिए। समझा, कोई डाउट? पक्का आपको समझा या कुछ डाउट है? पूछो, आपके चेहरे से लग रहा है कुछ तो है, आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, डाउट है पक्का? क्या बोल रहा हूँ? हाँ यही है, समझा? चलो फटाफट नोट करो इसको। चलो, तो ये हमारा टैक्स रेट हो गया बेटा सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी। सुनो, अभी तक हमने जितने भी असेसी का टैक्स रेट सीखा है, इसी को बोलते हैं बेटा स्लैब रेट। इसी को क्या बोलते हैं? स्लैब रेट, या इसको आप बोल सकते हो बेसिक रेट्स। अब हम पढ़ रहे हैं ओनली स्पेशल रेट्स। क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशल रेट्स, ठीक है, जो अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग टैक्स रेट रहेगा। ठीक है, चलो हेडिंग डालो स्पेशल रेट्स। कुछ बातें याद आ रही? बताओ स्पेशल रेट कहाँ लिखा होता है, इनकम टैक्स में या फाइनेंस एक्ट में? स्पेशल रेट कहाँ लिखा होता है, इनकम टैक्स में या फाइनेंस एक्ट में? इनकम टैक्स में। और स्लैब रेट कहाँ लिखा होता है? फाइनेंस एक्ट में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा कौन कौन सी स्पेशल रेट है, ध्यान से सुनना। पहला है 112A, याद आ रहा है कुछ? 112A हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किस चीज के ऊपर बेटा? इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, याद आ रहा? एग्जम्प्ट कितना होता है बताओ, एग्जम्प्ट कितना होता है? अप टू 1 लाख, पढ़ा था ना। और इसके बाद टैक्स रेट क्या होता है? 10%। 1 लाख तक एग्जम्प्ट, उसके बाद टैक्स रेट क्या होगा? 10%। ठीक है, अब ध्यान से, सेक्शन 112 ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एनी अदर, मतलब ऊपर वाले को छोड़ के किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा कहां जाएगा? 112 में। इसका टैक्स रेट है बेटा 20%। समझा? तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेरे पास 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 1 लाख एग्जम्प्ट कर देना, बाकी के ऊपर 10% लगा देना, और कोई भी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20%। समझा? अच्छा, अब आ जाते हैं सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसके ऊपर बेटा? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर टैक्स रेट कितना होगा? 15%। समझा? इसके अलावा एनी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एनी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्लैब रेट बेटा, स्लैब रेट। समझा? अभी जो हमने पढ़ा था पीछे 5, 20, 30 वाला, 5%, 20% और 30%, उसको क्या बोलते हैं? स्लैब रेट। तो एनी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो स्लैब रेट। इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट है बेटा सेक्शन 115BB। इसमें क्या क्या आता है? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस एक्सेट्रा, इसका टैक्स रेट फ्लैट 30% है। फ्लैट कितना है? 30%। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, इसका टैक्स रेट बेटा फ्लैट कितना है? 30%। ठीक है, अब आते हैं 115BE, सबसे डेंजर बेटा। ये क्या बोल रहा है? डीम्ड इनकम। ये क्या होता है? डीम्ड इनकम। अगर डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन, मैं आपको ये टॉपिक पीजी पे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बिजनेस का हेड पढ़ाऊंगा। डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 68-69D, इसका टैक्स रेट देखो बेटा, 60% का टैक्स, 25% का सरचार्ज, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये सरचार्ज और ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 60% का टैक्स, 25% का सरचार्ज, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। नेक्स्ट सेक्शन 115BBF, ये लगता है रॉयल्टी इनकम
ऑन पेटेंट, इसके ऊपर टैक्स रेट है बेटा 10%। रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट कितना है? 10%। नेक्स्ट, सेक्शन 115BBG, ये है बेटा इनकम फ्रॉम कार्बन क्रेडिट 10%। तो ये हमारे कुछ क्या है बेटा, स्पेशल रेट्स हैं। ये हमारे कुछ क्या है, स्पेशल रेट्स हैं, समझना। अब मैं एक एक चीज को समझाता हूं। पहला हमने क्या लिखा कि अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ओनली किससे बेटा, इक्विटी शेयर से या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, जितना भी गेन होगा उसमें से 1,00,000 एग्जम्प्ट करके बाकी के ऊपर 10% का टैक्स दे देना, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एनी अदर है तो 20% का देना। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से है तो 15%। इसको छोड़ के कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो स्लैब रेट। 115BB लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, कार रेस, बाइक रेस, इसको बोलते हैं बेटा कैजुअल इनकम, ठीक है। कैजुअल इनकम के ऊपर सीधा टैक्स रेट होता है 30%। 115BE डीम्ड इनकम क्या होता है, सुनो, डीम्ड इनकम, जय का एक बिजनेस, तो जय ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया। जय ने जब बैलेंस शीट बनाया तो उसमें लिखा 200 करोड़ की ज्वेलरी। अब भाई तुम लिख रहे हो 200 करोड़ की ज्वेलरी, तो ये तो पता होगा ना तुमने ज्वेलरी लिए कहाँ से, ठीक है। अब इसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का और बैलेंस शीट में 200 करोड़ का ज्वेलरी दिखेगा तो किसी को भी डाउट होगा ना भाई कि तेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास ज्वेलरी कहाँ से है। लेकिन अगर मान लो जय का बिजनेस होता ज्वेलरी का, सेल करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, तो डाउट नहीं होता। लेकिन तेरे बैलेंस शीट में अगर कोई इनकम ऐसा दिख रहा है जो तेरे सोर्स से मैच नहीं कर रहा, अब डिपार्टमेंट तुझसे पूछेगा ना, भैया तूने ये पैसा कहाँ से कमाया, ठीक है। डिपार्टमेंट ने पूछा, तुमने उसका रिप्लाई नहीं किया, डिपार्टमेंट क्या मान लेगा उसको, डीम्ड इनकम। समझा डीम्ड इनकम का मतलब क्या है? तुम्हारे बैलेंस शीट में कैश दिखा, काइंड दिखा, एसेट दिखा, इन्वेस्टमेंट दिखा, एंड यू आर नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो कितना टैक्स लगा देगा? 60% का टैक्स, 25% का सरचार्ज, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। अच्छा, 115BBF रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट, पहले पेटेंट क्या होता है वो समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट। अगर हम कोई इन्वेंशन करते हैं तो उसको, उसके ऊपर हमें एक राइट मिलता है, उस राइट को क्या बोलते हैं, पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा, पहले इंडिया में कार्बोरेटर वाली बाइक आती थी, अभी फ्यूल इंजेक्टेड आ गई, तो किसी ने तो ये सिस्टम को इन्वेंट किया होगा ना। हमारी इंडिया में अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो किसी ने तो वो हब मोटर या मोटर बनाया होगा ना, इन्वेंशन किया, तो उस इन्वेंशन के ऊपर हमें राइट मिलता है 20 सालों के लिए कि वो इन्वेंशन आपका रहेगा पूरा 20 इयर्स तक। स्लोली आपका राइट है, क्या राइट है, सेल करने का, मैन्युफैक्चर करने का, प्रोडक्शन करने का, ठीक है, मेरा राइट है। लेकिन मान ले मैंने बना तो लिए, लेकिन बेटा प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसा चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। तो जय मेरे पास आता है, बोलता है अमित सर आप अपना पेटेंट मुझे दे दो, पेटेंट क्या दे दो, मुझे दे दो। मैंने बोला जय इसमें मेरा क्या फायदा, तो बोला सर टेंशन क्यों ले रहे हो, आप जो मुझे पेटेंट दोगे, मेरे पास पैसा है, मैं उससे क्या करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग, आपके बताए गए रास्ते पे मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, जो भी मेरा सेल प्राइस होगा उसका 60% आपका, तो वो जो 60% मिल रहा है उसी को बोलते हैं रॉयल्टी, समझा। मैंने अपना पेटेंट बेचा नहीं, किसी को यूज करने के लिए दिया, ठीक है। मेरा 20 साल का राइट था, लेकिन मैंने वही 20 साल का राइट जय को दे दिया, बोला बेटा तू यूज कर ले, और फिर मुझे उसका क्या देना, कुछ रिटर्न देना, उसी रिटर्न को क्या बोलते हैं हम, रॉयल्टी, ठीक है। और पेटेंट किसके ऊपर मिलता है, इन्वेंशन के ऊपर, जब हम कोई नया चीज इन्वेंट करते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, 10%। लेकिन इसमें कंडीशन, सबसे पहली बात, तेरा पेटेंट जो है वो इंडिया में पेटेंट एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और मुझे बताओ, तूने पेटेंट लिया इंडिया में और उसका इस्तेमाल करेगा आउटसाइड इंडिया, देगा क्या डिपार्टमेंट टैक्स तुम्हें 10% का? पेटेंट कहां कर रहे हो, रजिस्टर, इंडिया में, तो इस्तेमाल भी किधर होनी चाहिए, इंडिया में, कितना, 75%। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, टैक्स का रेट कितना रहेगा, 10%, ठीक है। दूसरी कंडीशन, एक बार इस सेक्शन में आ गए तो 5 साल फिक्स, ठीक है। लेकिन 5 साल के बीच में अगर तुम बाहर निकल गए इस सेक्शन से, दोबारा इस सेक्शन में एंट्री अलाउड नहीं है, मतलब इस सेक्शन में एंट्री अलाउड नहीं है, तो बेटा मुझे बता नॉर्मल टैक्स रेट कितना मिला है,
30% तक है तो मैं उसमें फंस जाऊंगा। अगर मुझे इस सेक्शन के मजे लेने हैं तो 5 साल तक रहना पड़ेगा। इस सेक्शन से बाहर निकल गया दोबारा एंट्री अलाउड नहीं। समझा? कोई डाउट? अच्छा देखो ऐसे समझो इसको, आया 5 साल तक एग्जिट अलाउड नहीं है, कर गया दोबारा एंट्री अलाउड नहीं है। समझा? अच्छा 115BBG ये क्या बोला? कार्बन क्रेडिट। अब ये क्या होता है कार्बन क्रेडिट, इस बात को समझना बेटा। लॉकडाउन में क्या सारी इंडस्ट्री बराबर चली? नहीं, जो बेसिक नेसेसिटी की थी वो ज्यादा चली और जो उससे कम थी वो कम चली। फॉर एग्जाम्पल जय का बिजनेस है जो बेसिक चीज बनाता है, खाने पीने की चीजें, आपका नाम क्या? निकुंज का बिजनेस है ऐसा जो लग्जरियस बनाता है। तो बताओ कोरोना के टाइम में क्या चला होगा? बेसिक। अब बेटा हमारे इंडिया में हर एक इंडस्ट्री को एक लिमिट दी गई है कि तुम्हारा स्मोक कितना जनरेट होगा। आपने मुझे बताओ आजकल गाड़ियों में से धुआं निकलता है? निकलता है गाड़ियों में से धुआं? BS6 की इंजन आने लगी है। यहाँ पर भी देखो करप्शन गवर्नमेंट का कितना है। हम गाड़ी ही लेते और गाड़ी के साथ क्या करवाते? PUC करवाते। गवर्नमेंट बता दे कौन से गाड़ी से स्मोक निकलता है आजकल। अब तुमसे 50 रुपये का PUC लिया जा रहा है 6 महीने के लिए, सोचो गवर्नमेंट की ब्लैक मनी कितनी है, जबकि उसका कोई यूज नहीं है। मेरी गाड़ी क्या है? BS6 कंप्लाइंस है, स्मोक इसमें नहीं होगा। और आज के दिन माइलेज देती है गाड़ी तो पेट्रोल बर्न हो रहा है। स्मोक कब होता है? जब कोई चीज़ जलता नहीं है। तो स्मोक कहाँ पे जनरेट होगा? डीजल गाड़ियों में। ठीक है, अब मुझे, मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछता हूँ, बस बता दे मुझे उनके एक भी पुलिस गाड़ी का PUC दिखा दे, BST के बसों का PUC दिखा दे। ठीक है, उनके गाड़ी का मुझे RC बुक दिखा दे, उनके एक भी पुलिस वालों का लाइसेंस दिखा दो। दूसरा करप्शन देखो, मान लो जय गाड़ी चला रहा है, जय गाड़ी चला रहा है, ठीक है, जय के पास लाइसेंस है लेकिन वो घर भूल गया। आप मुझे बताओ चेक कर सकते हो ना? जय के पास लाइसेंस नहीं दिखा, आपके पास मोबाइल फोन है, लाइसेंस नंबर लीजिए, डालिए, चेक कीजिए, देखिए लाइसेंस है या नहीं। आप कब नहीं माने जाओगे लाइसेंस होल्डर? जब मैंने लाइसेंस बनवाया ही नहीं है। बनाया तो है ना, जब नहीं बनवाया देन आई एम डूइंग इलीगल थिंग। जब बनवा रखा है मैं लाया नहीं हूं तो फाइन किस बात का? आ रही है बातें समझ में? तो बहुत चीजें बेटा गलत है, बहुत चीजें जब बारीकियां से समझोगे तो बहुत चीजें गलत दिखेगी। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? अब जय की इंडस्ट्री ज्यादा चली तुम्हारी कम चली तो तुम्हारा स्मोक लेवल तो एग्जॉस्ट ही नहीं हुआ। इंडस्ट्री को फिक्स है, इससे ज्यादा स्मोक आप जनरेट नहीं करोगे। ठीक है, अब जय की इंडस्ट्री ज्यादा चली तो इसका स्मोक लेवल खत्म। अब इसको प्रोडक्शन और करना है तो इसने आपसे क्या बोला कि आपका वाला लिमिट मुझे दे दो। समझा? तो क्या हो गया, यहां से लिमिट यहां गई। अब आप फोकट में दोगे? आप क्या बोलोगे, भाई वैसे ही मेरी इंडस्ट्री चल नहीं रही, पैसे दे दे कुछ। डिपार्टमेंट ने क्या बोला, नालायक तुमने यहां भी धंधा शुरू कर दिए, धुआं बेच रहे हो। समझा? क्या लगा दिया उसके ऊपर? टैक्स 10%। समझा कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है तुम अपनी स्मोक की लिमिट को दूसरे को सेल कर रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो। मुझे बताओ मेरी लिमिट 5%, जय की लिमिट 10%, दोनों मिला के मार्केट में तो स्मोक लेवल उतना ही जाएगा। अब मेरी इंडस्ट्री चली ही नहीं, मैं अपना लिमिट दूसरे को सेल कर रहा हूँ। समझा? याद रहेगा? तो ये क्या है बेटा, सारे के सारे स्पेशल रेट्स है। समझ में आया? अब एक बात समझना, इस वाले इनकम पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलता। क्यों? करप्शन का पैसा है ना तेरे। मैंने तुझसे पूछा ना कहाँ से कमाए, क्या तूने मुझे डिटेल दिया? नहीं ना, तो बोला 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख का एग्जेम्पशन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझे इस इनकम का डिटेल नहीं बताया। अगर डिटेल बताया होता तो मैं तुझे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देता। समझ में आया नहीं आया? तो इस इनकम के ऊपर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख का है वो नहीं मिलता है। ठीक है, इस इनकम के रिगार्डिंग डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा 80C से लेके 80U का डिडक्शन। LIC लेते हो, उसका प्रीमियम भरते हो, प्रीमियम तेरे लिए एक्सपेंस है, उसका डिडक्शन इन सेक्शन के साथ नहीं मिलेगा। आई बातें समझ में? क्यों? क्योंकि तेरा ये डीम्ड इनकम मतलब सोर्स तुम्हें नहीं पता है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, इनकम मान लिया। समझा? अब मान लो बैलेंस शीट में इसका दिखा किसने 100 करोड़ का कहीं पे एक्सपेंस किया, पूछेगा ना डिपार्टमेंट, भाई कहां किया तूने एक्सपेंस? अब ये बोल रहा सर मुझे नहीं पता, तो क्या मान लेगा डिपार्टमेंट इसको? इनकम
टैक्स भरो उसके ऊपर, क्योंकि तुमने क्या नहीं दिया मुझे, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। आया समझ में पक्का? चलो पहले नोट करो। डोमेस्टिक कंपनी मान लो बेटा टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड का 21-22 में मान लेते हैं टाटा लिमिटेड को टोटल 30 करोड़ की कमाई हुई, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट करो टैक्स, कितना कमाई हुआ इनका 30 करोड़। तो अब मुझे बताओ सीधा सीधा हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, 30 करोड़ का 30%, क्योंकि हमें 1920 का टर्नओवर नहीं दे रखा, तो सीधा 30% 30 करोड़ का कितना आएगा बेटा, 9 करोड़, है ना, करेक्ट ना। अब बताओ इसके ऊपर तुम क्या ऐड करोगे, सरचार्ज एट द रेट ऑफ, बताओ किस रेट से लगेगा, 10 करोड़ से ज्यादा है ना, तो 10 करोड़ से ज्यादा सरचार्ज कितना लग रहा था, 12%। तो यहाँ पे कितना सरचार्ज लगेगा, 12%। निकालो 9 करोड़ का जरा 12%, जीरो ध्यान से लगाना, 70 9 पे 70 और फिर उसका 12%, कैसी दे दो कितना आया, एक करोड़ 8 लाख। टोटल कितना हो गया बेटा, 10 करोड़ 8 लाख। अब इसमें हम मार्जिन रिलीफ की बात ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, कितनी इनकम है, सीधा ऐड क्या कर देंगे, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 4%, सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना आएगा 10 करोड़ 8 लाख के ऊपर 4%, कितना 4,32,000, 10 करोड़ 12,32,000। इमेजिन करो 30 करोड़ कंपनी कमा रही है और गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रही है, देने का दिल करेगा, कभी ना करे भाई, मैं 30 करोड़ कमा रहा हूँ और टैक्स तुम्हें कितना दे रहा हूँ, 10 करोड़। अब देखो कंपनी के ऊपर टेंशन किस बातों का है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, आपको मैं कंपनी लॉ में पढ़ाऊंगा, सेक्शन नंबर 135 CSR किसको डील करता है बेटा, CSR, कंपनी के नेट प्रॉफिट का 2% आपको CSR करना है, नहीं करोगे तो गोली मार दूंगा, पनिशमेंट लेते हैं, फाइन लगाते हैं, पेनल्टी लगाते हैं। बताओ 2% का CSR भी मैं ही दूं, टैक्स भी 30% मैं ही दूं, तुम क्या करोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी को बोल रहा है तुम सोसाइटी में काम कर रहे हो ना, सोसाइटी के लिए कुछ करो, कितना करे भाई, 30% तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, ऊपर से हम 2% का, अभी तो पता है 2% किस चीज का, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% हम आपको क्या दें, CSR, सब हम ही करें तो तुम्हें हम किस लिए अपॉइंट किया है। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट मेट्रो बना रही है क्या, फोकट में चढ़ने देगी हमें, हम भी तो बोल सकते हैं ना भाई, तुम मेट्रो हमारे टैक्स के पैसे से बनाए हो, ठीक है, उसके बाद बनने के बाद भी टैक्स लोगे ही, फोकट में चढ़ने दो। अब गवर्नमेंट क्या बोले, नहीं वो तो हम उसके रख रखाव के लिए, कितना पैसा चाहिए तुम्हें रख रखाव में, टोल टैक्स जानते हो कितना आता है एक दिन में, हजारों करोड़ रुपीज का रेवेन्यू है गवर्नमेंट का एक दिन में, सारा पैसा इधर उधर वेस्ट, हमारे पैसे पे तुम जी रहे हो, सारे पुलिस वाले से लेकर डीएम से लेकर सीएम कोई बता दे, और कोई भी लीडर ये बता दे कि उन्होंने 1 रुपये का डोनेशन दिया है कोविड में, कोई भी पुलिस वाला ये बता दे कि मैंने 10 रुपये का डोनेशन दिया है, बता दे जरा, बीएसटी बस में कोई कोरोना नहीं है लेकिन ऑटो में कोरोना है, अकेला मैं बाइक पे जा रहा हूं हेलमेट के नीचे ही कोरोना घूम रहा है ऐसे नाक में घुसेगा, बीएसटी बस में कोई कोरोना नहीं, ट्रेन में कोई कोरोना ही नहीं है, सब कुछ सही है, क्लास में ही कोरोना घूम रहे, बच्चा मर जाएगा, तुम्हारा इलेक्शन हो रहा है उसमें कोई कोरोना नहीं है,
पूरी आतंक मचा रखा है तुम लोगों ने। ये समझ में आएगा टैक्स कैसे निकालते हैं? ये 10 करोड़ 8 लाख पे निकालना है क्या वो? हाँ तो 40 लाख है इतना ही 40 लाख 32 ना। चलिए इसी के साथ बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, क्या टैक्स रेट। अभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा इसके ऊपर ग्रिप बन जाए।